हम आर्थिक उन्नति अपने देश के टुकड़ों को अपने धरती के हिस्सों को बेच करके हम अपने देश की आर्थिक उन्नति निश्चित नहीं करेंगे। मिश्रा, हमारे देश में ज्ञान व्यापी, मथुरा, ताजमहल और हां हिजाब हलाल वगैरह 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 और आने वाले मुद्दे जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुसलमान दिखाई देगा, लेकिन जो आपके मुद्दे हैं वो मीडिया के मुद्दे नहीं, यानी देश का मुद्दा वही है जिसमें हिंदू और मुसलमान हो, जिसमें कुतुब मीनार को लेकर बवाल हो, जिसमें महंगाई, बेरोजगारी, सेना भर्ती का मुद्दा ना हो। साथ ही साथ आपको बता दें कि हमारे साथ जुड़ेंगे, इस चर्चा में शामिल होंगे एके मिश्रा जी, जो कि राजनीतिक विशेषक हैं। ओके, एके मिश्रा फिर मैं उसके बाद सभी, नहीं अभी बताऊंगा सर, एक एक करके पूरा हिसाब किताब है। एके मिश्रा, ये आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में देश अमृतकाल की तरफ जा रहा है? मिश्रा जी देखिए, चावला जी आपका जो सवाल है समकालीन है और मैटेरियलिस्टिक जो है उससे राजनीति या वर्ड से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसका जवाब बड़ा सैद्धांतिक है। अगर आपकी आपत्ति ये है कि चर्चा, तो उसमें अगर आप ये बोलते हैं कि भाई ज्ञानवादी पे चर्चा नहीं हो, बाबरी पे चर्चा नहीं हो, हिंदुत्व पे चर्चा नहीं हो, और हम विकास की बात करें, भारत एक ऐसा राष्ट्र रहा है जहां विकास के कई मायने रहे हैं। आध्यात्मिक विकास, एक संपूर्ण विकास की बात करें तो आध्यात्मिक विकास, कल्चरल सांस्कृतिक विकास, ये सारी चीजें भी आर्थिक विकास के साथ साथ चलती हैं। आर्थिक विकास एक पैरामीटर है, बाकी उसके और भी स्तंभ हैं संपूर्ण विकास की अगर हम बात करें। और दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जो इनकी बात नहीं करता है? आप मुझे बताइए, टर्की ने हागिया सोफिया मस्जिद के साथ क्या किया? अमेरिका में पिछली बार इलेक्शन लड़ा गया था तो कैंपेन या स्लोगन ये था कि लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। कोई भी पार्टी हो, अगर वो भारत राष्ट्र को महान बनाने की बात करती है तो उसमें बुराई क्या है, क्यों नहीं होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज मैं ये बोलता हूँ, आप बोलते हैं कि जी जो इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं उस पर चर्चे ही नहीं हो रहे हैं। मैं आपको बोलता हूँ कि जो इम्पोर्टेंट मुद्दे थे उस पर तो 500 सालों से चर्चे नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना देश की आजादी के बाद से ही हुआ, तब से लेकर न जाने कितने केसेस वहां पे पेंडिंग पड़े हुए हैं जिसके ऊपर आज तक न चर्चा हुई, न न्यायिक बहस हुई, न टीवी पे भौतिक बहस हुई। आज अगर बहस हो रही है तो केवल बहस होने से इतनी खलबली मच गई है कि मुंह पे जबान पे ताला लगा करके बैठे और हम उसके बारे में चर्चा न करें। केवल विकास का मतलब केवल महात्मा गांधी ने क्या किया था, आप मुझे ये बताइए। अगर ऐसा देखा जाए तो हमारे पूर्वजों ने मुगल के काल में तो बड़े सुखी से भाई साहब एकदम जो है सोने की गिन्नियां वहां पे पगार में मिलती थी, तो क्यों उन मुगलों के खिलाफ कई लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने लोहा लिया? अंग्रेजों के खिलाफ क्या असंतोष था? क्या आपको खाने को नहीं मिलता था? तो यानी आप ये कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि इन सब मुद्दों से विकास होता है? एके मिश्रा यानी आप ये कह रहे हैं कि इन सब मुद्दों से देश का विकास होता है? नहीं, दो चीजें मैं बोल रहा हूँ। नहीं, आपकी बातों से ऐसा ही महसूस हो रहा है कि इन सब बातों से विकास होता है। देखिए, एक वैचारिक होता है। अब हमारे ये गर्व की बात है कि हमारे राष्ट्र का इतिहास हजारों लाखों साल पुराना है, तो वैचारिक विकास को रोक के आर्थिक विकास हम नहीं करेंगे। हाँ, वैचारिक विकास पहले नहीं था, ये अभी हुआ। सिद्धांत सुरक्षित रहने चाहिए। अच्छा, ये मैटेरियलिस्टिक विकास, अच्छा ये सिद्धांत अभी सुरक्षित, ये सिद्धांत अभी सुरक्षित हो रहे हैं। एक रथ के दो पहिए हैं, वैचारिक सैद्धांतिक विचार आपके सुरक्षित हो, आपका विकास हो, मानवीय गुणों का, मानवीय विचारों का विकास हो, वो भी देखा जाए। और हर स्कूल कॉलेज में नैतिक शिक्षा क्यों होती है? हटा दीजिए नैतिक शिक्षा, मत तो यानी आप ये कह रहे हैं कि बच्चों को मत अच्छी, यानी आप ये कह रहे हैं कि बच्चों की शिक्षा, आप बच्चों की शिक्षा जरूरी नहीं है, चिंतित मत करिए। नहीं, आप ये कह रहे हैं बच्चों की शिक्षा जरूरी नहीं है ना, जो आप बच्चों की शिक्षा जरूरी मुद्दा नहीं है आपकी नजर में? अगर बात कुतुब मीनार पे हो रही है तो मैं बोलता हूँ कि अगर कुतुब मीनार पे कोई आपत्ति नहीं है तो कुतुब मीनार को गिरा दें। आप गारंटी दीजिए कि कोई आदमी उस तक नहीं करेगा। चलिए उन्हीं लोगों से बोल दीजिए जो चिल्ला रहे हैं कि कुतुब मीनार पे बात क्यों हो रही है, क्यों लोग हल्ला मचा रहे हैं, जब कुतुब मीनार, राम मंदिर, ज्ञान वापी का कोई, तो यानी महंगाई, महंगाई गिरा के खत्म करिए, यानी महंगाई, महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक होना, ये कोई मुद्दा नहीं है। नहीं चलाएगा,
कोई हैशटैग ट्विटर नहीं चलाएगा, कोई सड़क जाम करके बैठेगा नहीं शाहीन बाग की तरफ। हटाइए इन सबको, गिरा करके। तो ये खुदरा महंगाई दर ये कोई मुद्दा नहीं है ना, आप ये कह रहे हैं? नहीं, वो मुद्दा है, मैंने बोला नहीं, आपकी बातों से ऐसा महसूस हो रहा है कि सिर्फ महंगाई मुद्दा ही नहीं है। विकास कई मायनों में होते हैं, आध्यात्मिक विकास, राष्ट्र की जो विचारधारा है उसका विकास या उसका पुनरुत्थान समय समय पे भारत में होता रहा है। अच्छा, तो ये जो मुद्दे हैं इससे भाईचारा बढ़ रहा है, आप ये मुझे समझा रहे हैं? अरे केवल केवल आर्थिक नहीं, बात भाईचारा बढ़ रहा है कि नहीं है मैं क्यों? बोल रहा हूँ, आप ही मुझे समझा रहे हैं इससे भाईचारा बढ़ रहा है, होना ही नहीं चाहिए। आप गिरा दीजिए और मुझे गारंटी दीजिए कुतुब मीनार गिराने नहीं, जैसे श्रीलंका में भाईचारा बढ़ा वैसे ही बढ़ रहा है ना, नहीं करेगा श्रीलंका में जैसे भाईचारा बढ़ा वैसे ही बढ़ रहा है। क्यों लगे हुए हैं? श्रीलंका में जैसे भाईचारा बढ़ा वैसे ही बढ़ रहा है ना मिश्रा जी, आप मुझे ये समझा रहे हैं? अरे नहीं तो श्रीलंका के कारणों पे आप आ जाइए, आप भी चाइना को दे दीजिए साउथ इंडिया का कोई बंदरगाह, मजे लीजिए, आप भी पैसा लेके चाइना से गए तो थे, हमारे एक पार्टी के विपक्ष के नेता चाइना से पैसे लेके आए थे, दो चार स्टेट दे दीजिए चाइना को, यहाँ ऐसे नेता हैं जो बैठे हुए हैं, दे दीजिए पाकिस्तान को कोई हिस्सा चाइना, आप मजे में रहेंगे, बांटते रहिए इस शर्त पे, अगर आप मजे लेकर के जीना चाहते हैं तो आप जिए जो है। श्रीलंका की हालत, श्रीलंका को मुबारक, श्रीलंका ने यही मिश्रा जी कमेंट आया, मिश्रा जी गिरवी रख दिया, मिश्रा जी एक कमेंट आया पढ़ देता हूँ, टुकड़ों को गिरवी रख करके मिश्रा जी नहीं पिएंगे चावला जी, मिश्रा जी हम आर्थिक उन्नति अपने देश के टुकड़ों को अपने धरती के हिस्सों को बेच करके हम अपने देश की आर्थिक उन्नति निश्चित नहीं करेंगे। हम आर्थिक उन्नति अपने देश के टुकड़ों को अपने धरती के हिस्सों को बेच करके हम अपने देश की आर्थिक उन्नति निश्चित नहीं करेंगे। मिश्रा जी एक कमेंट आया मैं पढ़ देता हूँ, फिर मैं त्यागी जी के पास जाता हूं। कमेंट आया है कि आज मिश्रा जी बहुत गुस्से में लग रहे हैं, चक्कर क्या है? क्या आज इससे पहले कोई जबरदस्त डिबेट से होकर आए? नहीं, कोई गुस्से की बात नहीं है, देखिए बात सिद्धांत की है, मैं आर्थिक विकास को मैं नकारता नहीं हूं, होना चाहिए, मैं इस चीज से भी संतुष्ट नहीं हूं या हाँ नहीं करता हूं कि हाँ भाई महंगाई है ही नहीं कि पेट्रोल 1,000 रुपए लीटर हो जाएगा मैं तब भी खरीदूंगा। बैलेंस नहीं खरीदनी चाहिए, बैलेंस हर चीज में होना चाहिए। महंगाई डेफिनेटली बढ़ी है। ओके, अब आपकी इजाजत हो तो मैं इसी मुद्दे पर आ जाऊं। आप जो अटल बिहारी वाजपेयी के समय में हाफिज सईद को दामाद बनाकर जहाज पे बैठा के छोड़ने गई थी, तो ये भारतीय जनता पार्टी को दूध से दूनी नहीं हुई? एक मिनट, अभी पत्रकार महोदय भी कह रहे थे, एक मिनट, पत्रकार महोदय भी इस बात को कह रहे थे क्या ये नहीं होना चाहिए, क्या इधर बिल्कुल होना चाहिए। प्रीत पाल जी, मगर देश की स्थिति, देश की इकोनॉमी नीचे चले जा रही है, वो कब संभलेगी? हो गया, कबीर जी ने कहा था मैं दो एक मिनट, कबीर जी ने राम जी से कहा, प्रीत पाल जी अब ज्यादा भूखे भगत तक कीजिए, भगत कबीर जी कबीरदास जी ने कह दिया था राम जी, मुझे बोलने में गुरेज नहीं है ना, मुझे एक मिनट राम जी और कबीरदास एक टाइम पे पैदा हुए थे। एक मिनट एके मिश्रा क्यों आप बीच में कूद पड़ते हैं? भारतीय जनता पार्टी के वक्ता, भारतीय जनता पार्टी के जो मानने वाले ये पत्रकार हैं, इन्होंने बात को नहीं समझा? भगवान राम को इन्होंने देखा क्या? राम जी को आपने देखा है क्या? नहीं, राम जी को आपने देखा है क्या? राम जी के काल में क्या मोदी जी पैदा हुए थे? राम जी के काल में क्या? एक मिनट, लेकिन राम जी के काल में दोनों पैदा हुए क्या? नरेंद्र मोदी जी राम जी के काल में पैदा हुए क्या? प्रीतपाल जी मुद्दे पे आ जाओ, अभी योगी जी राम जी के काल में पैदा हुए क्या? एक मिश्रा, वक्त बहुत कम है, मैं फाइनल कमेंट ले रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे विषय थे लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट विषय था, मैं इसलिए लेकर आया। त्यागी जी बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। ओके एके मिश्रा प्लीज जल्दी से। देखिए चावला जी, जो आप नशे की बात कर रहे हैं, वाकई में नशा खराब होता है, किसी भी धर्म संप्रदाय में नशे को प्रमोट नहीं किया गया है। मैंने डिबेट के पहले सेक्शन में बोला था तो आपको शायद आपत्ति थी, मैंने बोला अंधा आर्थिक विकास से पहले जरूरी है कि चारित्रिक विकास किया जाए, आध्यात्मिक विकास किया जाए। मैं, आप और हमारे हजारों नौजवान साथी ऐसी जगहों से गुजरते हैं जहां अफीम वगैरह बिकती रहती होगी या अफीम की पड़े रहते हैं, हमने तो कभी अफीम न मांगा न देखा न किया, क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक और चारित्रिक विकास पहले किया जाता था। अब अगर आपको आर्थिक विकास करना है तो करो जी, शराब बेचो आप, और क्योंकि शराब से तो बहुत प्रीतपाल जी, अगर ये वाकई में बड़ी खबर है, आपको भी लगता है कि बड़ी खबर है, तो क्या ये वो बड़ी खबर नहीं है जो भैया एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री ले जाओ,
हैं, एक के साथ एक फ्री। कोरोना आया तो कहा कि भैया मंदिर बाद में खोलना, पहले ठेके खोल दो, मंदिर बाद में खोलना, पहले ठेके खोलो, बाद में देखेंगे मंदिर गुरुद्वारे, पहले ठेके खोलो, राज्य को चलाना है हमें, यही बात की थी ना केजरीवाल जी ने, गलत तो नहीं बोल रहा। पर देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठे हुए नरेंद्र मोदी जी की सरकार, दिल्ली सरकार कोई आबकारी नीति में कोई फेर बदल कर एक के साथ एक फ्री दे रही है। भारतीय जनता पार्टी वहां क्या कर रही है, इनके एलजी वहां क्या कर रहे हैं, बिना एलजी के इजाजत से, बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के इजाजत से वहां एक कदम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो पूरा देश समझ चुका है। हम एक कदम आगे बढ़ाते हैं, एलजी पकड़ के खींच लेता है। पंजाब में बंद कर दीजिए, चलिए हटाइए दिल्ली। अब आगे देखिए, देखिए भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर है इसीलिए बीच में बोले, पत्रकार का काम होता है अपने सपने समय में बोलना, जो सम्मानित पत्रकार है। देखिए अभी आप देखिए ये देखिए नीम के साथ करेला भी बोलने लगा, पार्टी का सपोर्टर है, नीम बोला करेला भी बोलने लगा। अरे मैंने आपके बीच में बोला नहीं, तिलक जी ये जवाब लेना नहीं चाह रहे, ये जवाब ही लेना नहीं चाह रहे। देश के अंदर भुखमरी भरी पड़ी है, देश में लोगों के जो प्लेट में ढाई रोटी तीन रोटी आया करती थी, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में खत्म हो गई। और भारतीय जनता पार्टी बात क्या कर रही है, गरीबों को भोजन मिले।